हमें पता चल गया है तुम्हारा। अरे मेरी पूरी बात बिना सुनी चली गई। मैं तो कहने वाली थी कि हमें पता चल गया है कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी हार्डवर्किंग है। ये सुन के तो पक्का यहां से नहीं जाती। पर अब क्या करें, अभी ऐसे पागलों की तरह काटेगा तो कौन यहां पे रुकेगा? नो वन। रणबीर को देखा तुमने? हाँ, वो उस तरफ गए। सॉरी रणबीर, पर गलती से मैंने प्राची को बोल दिया कि उस दिन मंदिर में मेरी नहीं तुम्हारी और प्राची की शादी हो रही थी। I'm so sorry. ठीक है पलक, मैं कुछ करता हूँ वैसे। It's okay, मैं हैंडल कर लूंगा। अक्सर लोग गुस्से में दिमाग नहीं चलाते, तो तुम क्यों चला रही हो? तो सोचो मत, थप्पड़ मारो मुझे, मारो। मैं ये नहीं सोच रही कि तुम्हें थप्पड़ मारना है या नहीं मारना है, ये सोच रही कि थप्पड़ मारने की वजह पहले बता दूं या थप्पड़ मारने के बाद में। इतना मत सोचो क्योंकि मुझे वजह अच्छे से पता है। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? ये जानती हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम ऐसे हो। कैसा हूँ मैं? अभी थोड़ी देर पहले बाहर तू मेरी बहुत तारीफ कर रही थी मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि असलियत में रणबीर कोहली कैसा है। कैसा है रणबीर कोहली असलियत में? बता दूँ? झूठा है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, चीटर है। चीटर, तूने धोखे से मुझसे शादी करनी चाहिए रणबीर। तो चीटर नहीं तो क्या बुलाओ तुम्हें? धोखा तब होता प्राची जब मैं तुमसे शादी करता। मैंने तुमसे शादी करी नहीं। लेकिन सोचा तो सही ना तुमने? सोचने और करने में बहुत फर्क होता है प्राची। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सेम ही है। बुरा सोचने वाला बुरा करने वाला एक ही होता है। तो जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है वो कौन है, अच्छा इंसान? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचा, इसीलिए मैंने तुमसे शादी नहीं करी। मैं कैसे मान लूं? मुझे क्या पता कि डर के मारे तुमने बैकआउट किया है, कोई और वजह, आई डोंट नो। मुझे तो इतना पता है कि धोखे से तुमने मुझसे शादी करनी चाहिए, ये बात तुम्हारे दिमाग में आनी कैसे रणबीर? तुम्हें पता अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे को रिग्रेट हो रहा है। मेरे को लग रहा है उस दिन मंदिर में मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। तरीका गलत होता पता है, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका बचा ही नहीं था। तुम्हें मेरी हर बात ही गलत लगती। तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन तुम कभी सीधा सीधा मेरी बात समझती नहीं। उल्टा अभी अभी देखो तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, नहीं था मैं ऐसा, लेकिन आज और अभी तुम मिलोगी एक नए रणबीर कोहली से। प्राची, मैंने तुमसे हर दिन प्यार किया है और आगे भी मैं तुमसे हर दिन प्यार करता रहूंगा, और हर दिन तुम एक नया रणबीर कोहली देखोगे। मैं सच्चा हूं और मेरा प्यार भी सच्चा है, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो भी गया तो वो जिंदगी के उस मोड़ पे गलत होगा जिस मोड़ पे रणबीर कोहली तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरी जिंदगी के किस मोड़ पे क्या होगा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं है।
मेरी और तुम पर पूरा का पूरा हक मेरा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। और जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनका एक दूसरे पे पूरा का पूरा हक होता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आर्यन, प्राची मुझसे प्यार नहीं करती? अभी मैं कैसे बताऊं? उसकी आंखों में देख। क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती हैं। मैं रणबीर से प्यार नहीं करती। आर्यन, प्राची की आंखों में देख और मुझे बता कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। क्या वो झूठ बोल रही है? रणबीर, वो तुझसे प्यार नहीं करती। झूठ बोलना बंद करो प्राची। झूठ क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुमसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती। क्या हुआ है तुम्हें? ये सब क्यों कर रही हो? अगर अपनी मॉम की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर सकती हो तो, अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। तुम मुझे मेरा प्यार लौटा दो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूं, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। जो लड़की तुमसे प्यार करती थी वो मैं नहीं हूं। आज के बाद हर दिन हर रोज एक नई प्राची को देखोगे, और जब जब देखोगे, जब जब मिलोगे, एक ही बात सुनोगे उसके मुंह से कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। रणबीर कोहली, क्या हो गया? हाँ, what is this behavior? प्राची यार, तुम मुझसे इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? मैं अकेली थोड़ी ना थी इस प्लान में। तुम्हारी बहन शाना भी तो थी। प्राची, प्राची, प्राची रुको एक सेकेंड। प्राची, प्राची, प्राची रुको यार। रिक्शा। प्राची, प्राची, लेट मी लिसन, लिसन, सुनो मेरी बात। चलिए चलिए, मेरी सुन तो लो यार। खैर करी वे रब्बा खैर करी, विलाव ना जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी, विलाव ना जुदाइयां वाला रब्बा खैर करी, वे रब्बा खैर करी, वे रब्बा खैर करी, विलाव ना जुदाइयां करी। प्राची, प्लीज मेरी बात सुनो। सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भैया चलिए, सुनो मेरी बात तो सुनो। प्राची, प्राची, अगर तुम रणबीर से पीछे हट रहे हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूँ। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो भी गया तो वो जिंदगी के उस मोड़ पे गलत होगा जिस मोड़ पे रणबीर कोहली तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम मेरी, तुम पर पूरा का पूरा हक मेरा। बाद में फोन करती हूँ। हाँ प्रज्ञा,
प्रज्ञा दरवाजा खोल प्रज्ञा दरवाजा खोल क्या प्रज्ञा दरवाजा खोल हुआ होगा तू ऐसे दरवाजा बंद करके अंदर आके अकेली रोती है कितना खटखटा है तूने दरवाजा तक नहीं खोला अब बोल ना क्या हुआ मुझे ये बता मिस्टर मैडम मिले कि नहीं और क्या छुपा रही है दिखा मुझे हे भगवान ये किसने किया हाँ बताना किसने किया बेटा ऐसे रोते नहीं देख मैं तेरी माँ नहीं हूँ पर ऐसा मत समझना कि तू अकेली है किसने किया आलिया ने किया ना आज तो मैं इस आलिया की दाल नहीं की आलिया ने कुछ नहीं किया किसने काटा कैसे हुआ पुलिस को बुलाया था उन लोगों ने पता ना क्या हुआ था उन्होंने काटा मुझे मिस्टर मेरा ने तुझे काटा पर क्यों वो हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं है कुछ और है कुछ और क्या है ठीक है लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है क्या बोल रही है तू वो ठीक है बिल्कुल ठीक नहीं है क्या हुआ है मेरा दिल बैठे जा रहा है पता ना क्या हुआ था क्या हुआ था वहाँ सरिता जी उनके सर गोली लगने की वजह से उन्हें शायद कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ नहीं आया सरिता जी वो किसी से मिलने लायक ही नहीं है लेकिन किसी को नहीं मिलने दे उनसे कोई नहीं मिल रहा वो बच्चों की तरह रोते चिल्लाते हैं लोगों को मारने आते हैं वो बहुत अग्रेसिव हो गए हैं मुझे देखकर वो डर गए शायद इसलिए काट लिया आलिया आई तो आलिया ने तुझे देख लिया क्या हाँ नहीं मैं केयरटेकर बन के गई थी इसलिए घूंघट रखा था इसने नहीं देखा लेकिन आलिया जब तक नहीं आई उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं फिर क्या हुआ आलिया ने उन्हें मारा मेरी आंखों के सामने उन्हें डंडे से मारा और मारती रही वो कैसे मार सकती है उन्हें मैं कुछ नहीं कर पाई मिस्टर मेरा रहे नहीं वो एक डरे हुए सहमे हुए बच्चे बन गए हैं सरिता जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खराब हालत है उनकी और तू यहाँ घर चली क्यों आई उनके साथ रहना चाहिए था ना क्या करती मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मैं वहाँ रुक जाती तो आलिया को शक हो जाता इन दिनों उन्होंने जितने नौकर रखे सब वो घर छोड़कर चले आ गए मैं वहाँ रुक जाती कैसे रुक जाती ठीक है बेटा तूने जो किया ना ठीक किया हाँ देख अब रो मत अब तेरे को हिम्मत से काम लेना है हाँ और कल वापस जाना और अच्छे से पता करना कि मिस्टर मेहरा की ऐसी हालत क्यों है और क्या कर सकते हैं हम भाभी डॉक्टर कब तक आ रहा है
आके बोली इंजेक्शन लगा। वो 10:30 बजे तक आ जाएंगे। और हाँ, तू डॉक्टर को मिलना, पर अकेले मत मिलना। अगर उन लोगों को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम करना, केयरटेकर बन के जाती है ना, तो उसी हैसियत से डॉक्टर को मिलना और उसी हैसियत से पूछ लेना कि क्या कर सकते हैं हम और ऐसी हालत क्यों है, और मिस्टर मेहरा का ख्याल रखना। और हाँ, मैं काम करती हूँ, वो अपना वन रूम किचन वाला घर है ना, उसकी चाबी यहीं पड़ी है, कोई लेता नहीं है, वो घर खाली है। क्यों क्यों क्या बेटा, अब तू ऐसे कपड़े में केयरटेकर बन के रहेगी और यहाँ घर पे आएगी और शाहना ने आया प्राची ने देख लिया तो तू क्या जवाब देगी, क्या बताए कि तो तू वो घर है ना उसका। आपको संभालो बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। आ गई, पीछे देख। इसको भी क्या हो जाता है, इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है? ये पकोड़े जैसी शक्ल क्यों बनाई है तूने? तू समझती क्या है अपने आप को? क्या हुआ, तू इतना गुस्से में क्यों है प्राची? क्यों, तुझे नहीं पता क्या हुआ है? मुझे ये नहीं पता है कि तुझे क्या पता है। अच्छा तो सुन, धोखा दिया है तूने मुझे। तू मेरी शादी रणबीर से कराना चाहती थी, बोल बोलना आप, अब मुंह बंद क्यों है? तू मुझे मंदिर ले जाकर रणबीर से मेरी शादी कराना चाहती थी ना शाना? बहन हूं ना मैं तेरी, कोई बहन के साथ ऐसा करता है? क्या कहा था तूने मुझसे, क्या कहा था? तूने कहा था कि पलक को हमारी जरूरत है, उसे मदद करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, पलक की शादी हो रही है ना। सच तो ये है कि पलक की नहीं रणबीर की शादी हो रही थी मुझसे। तूने छुपाई मुझसे ये बात क्यों शाना, बोलना। चुप क्यों है, जवाब नहीं है, कुछ नहीं है बोलने के लिए, बोलो। अगर कुछ नहीं बोलना चाहती ना तो मेरे सामने से चली जा, मत खड़ी रहे मेरे सामने, तुम जा यहां से। मेरे जो भी किया तेरे लिए किया, अगर मैंने झूठ बोला ना तो तेरे लिए, रणबीर का अगर उसके प्लान में साथ दिया है ना तो तेरे लिए। मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। क्या कर लेगी, तुझे सही गलत का तो पता नहीं होता है? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ वो सही, वो जो कर रहा है सब सही है? कौन तू, तू किसकी बात कर रही है? रणबीर कोहली की। माय फॉल्ट, नो वे ब्रो, मैं गलत नहीं हो सकता। ए यार, तू सिर्फ अपनी चला रहा है हाँ? तूने एक बार भी सोचा कि तू प्राची के साथ कैसे बिहेव कर रहा था? तो तू बता दे कैसे बिहेव करूं प्राची? अबे यार, यू शुड अंडरस्टैंड, मुझे मत बता मुझे कैसे बिहेव करना है। नो, डोंट टीच मी। मैंने अपने आप को बदला। किसके लिए? प्राची के लिए। जो मैं नहीं था मैं वो बना किसके लिए? अगेन प्राची के लिए। और बदले में मुझे क्या मिला? रिजेक्शन। पर रणबीर तू जानता है कि प्राची? हाँ मैं जानता हूँ, शी लाइक्स मी, शी लव्स मी। प्राची झूठ बोल रही है, वो एक जिद पकड़ के बैठी है। क्या करूँ, खुश हो जाऊँ जिद पकड़ के बैठी है तो? मैंने कुछ डिसाइड किया है, अब मैं प्राची की ये जिद तोड़ना चाहता हूँ। और एक बार ये जिद टूट गई ना, मुझे प्राची को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। शी विल बी मिसेस रणबीर कोहली। तू कैसी बातें कर रहा है यार रणबीर, तू पहले ऐसा नहीं था ब्रो, तू अपने आप को देख। मुझे पता, मैं पहले ऐसा नहीं था। प्राची अगर चाहती ना आर्यन तो मैं बदलता नहीं, लेकिन प्राची ने मुझे बदला है। मैंने प्राची का प्यार पाने के लिए, प्राची का ट्रस्ट पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तेरे को तो अच्छे से पता ही है। फिर भी मुझे बदले में क्या मिला, सबके सामने मुझे ना बोल दिया। यार पर रणबीर तेरी अप्रोच ही ऐसी थी ना। मैंने माना मेरी अप्रोच गलत थी, लेकिन मैंने कोशिश करी आर्यन। मुझे अपने पे इतना गुस्सा आ रहा है, काश उस दिन मंदिर में पीछे नहीं हटता, उसे शादी कर लेता। कम से कम आज मेरा नाम तो जुड़ा होता प्राची के साथ।
तो बदल गया है। आई नो, और बदला भी सिर्फ प्राची के प्यार में। कहते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये लव है। हमारी लाइफ का सिर्फ एक गोल रह गया है, मुझे प्राची को अपना बनाना है, उसे जो मेरे साथ किया उसका रिटर्न देना है। उसने मुझे बदला ना, मैं वक्त बदल दूंगा। प्राची को अपना बनाने के लिए आर्यन, अगर मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। वे तू कैसी बात है, मुझे मुझे नहाने जाना है। ब्रो आर्चिट, तूने धोखे से मुझसे शादी करनी चाहिए रणबीर, तू चीटर नहीं तो क्या बोला तुम्हें? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज के बाद हर दिन हर रोज एक नई प्राची को देखोगे। प्राची, हमारा प्यार एक वन वे ट्रैफिक जैसा है, एक बार इसमें आ जाओ ना आपको सीधा चलते रहना पड़ता है। प्राची अब तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ चलते रहने के लिए। Be ready to walk with Ranbir.